मतलब एक तरह से जातीय पेशा है, उसका मौलिक अधिकार है, उसका हनन बिहार सरकार को नहीं करना चाहिए, उसको फ्री करना चाहिए। दक्षिण भारत से जो बिहार जो काम जो मामला आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए। वहाँ की हालांकि वहाँ के जो गवर्नर है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी हम वहाँ की सरकार से, वहाँ के गवर्नर या वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उससे मैं आग्रह करता हूँ कि देश देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाके रहने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। यदि वहाँ हुआ है ये गलत हुआ। भारत सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी? हाँ, भारत सरकार इसके लिए इंक्वायरी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इंक्वायरी करने के बाद यदि जो लोग दोषी होंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार बोले कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ, लेकिन कई वीडियो सामने आए, खुद चिराग पासवान भी वहाँ जाके लोगों से मिल रहे हैं। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस मामले में? मैं तो गया नहीं हूँ। हाँ, ये जो वीडियो आया है, जो अब कहीं आया है, मारपीट का नौबत आया है या वहाँ की सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जांच का विषय है। अब बिहार के दो IAS अफसर वहाँ गए हुए हैं, जो जांच रिपोर्ट देंगे उसके बाद इस आपका प्रश्न का जवाब दिया जाए। हाजीपुर में बिहार में CBI लोग आ रहे हैं, हाजीपुर जैसे बिहार से बाहर है। अपील है कि निश्चित रूप से स्वस्थ होकर लोग आ रहे हैं। बिहार सरकार, जो बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं दूसरे स्टेट में, बिहार सरकार को उन सभी लोगों को सुरक्षित अपने राज्य में लाना चाहिए। CBI छापा के लेकर बिहार में सियासत हो रही है, लोग हुए BJP का लोग एजेंट बता रहे CBI को, इस छापे को कैसे देख रहे हैं आप लोग? चलिए चलिए भैया, CBI अपना काम कर रहा है। जी जी, काम करने भी